तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। हमारे जो काम है फैमिली बिजनेस, उसमें कुछ लेबर्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है, जैसे कि हेल्पर और वेल्डर। तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म बनाया था। अब मुझसे गड़बड़ ये हो गई है, जहाँ पे हेल्पर या वेल्डर बताना है लोगों को, वहाँ पे ईमेल आईडी आ रही है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे ठीक होगा, उसी करने में लगा हुआ हूँ। दिन दहाड़े मुझे काम करने बैठा दिया। काम करने के बिठा दिया, इतनी दिक्कत आ रही है सारी की सारी। अरे कर लेकिन तो रहा हूँ तू टैकी ठीक, वाला आदमी है, यंग जनरेशन का आदमी है, फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर। इसमें वही इतने लोगों के पास रोजगार नहीं है, इतनी रोजगार इनकी कहानियां बन रही हैं। कर रहा हूँ। तो एक रिस्पॉन्स मैं भी डाल दूंगा इसमें अपना। डाल दे हेल्पर दोस्तों कैमरे के पीछे है आज आदिल, नहीं आदिल का भाई। दिखाओ अपने आप को। हाँ कैसे हो दोस्तों? बस सदाब वो टीवी का चैनल पे मैंने कब्जा कर बस लिया। वापस कर दे जरा, गेट बंद कर देना। तो दोस्तों वही कर रहा हूँ, और अभी आपने देखा होगा कैसे मुझे सुना के चले गए। बड़े भाई होते ही ऐसे मनु है। ये पता क्या, आप भी छोटे हो, मैं भी छोटा हूँ, हाँ तो ये हम ही समझ सकते हैं मतलब इस दर्द को, सही बात क्योंकि हमें हमेशा दबाया जाता है, हमारी आवाज़ को नीचे किया जाता है कि ट्रू तुम ट्रू छोटे हो तो काम ही करोगे, या फिर तुम्हें मतलब कुछ करना है नहीं अपना खुद का, तो जो 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 छोटे भाई हैं वो कमेंट में हाजिरी लगाएं। हाजिर लगा दे और हम टीम बनाएंगे और इन बड़े भाइयों को छक्के छुड़ा देंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अब मैं बड़ा हूँ, आदिल मुझसे छोटा है, वो बिल्कुल तो एक नंबर का बदतमीज आदमी है, बिल्कुल नहीं बात सुनता। तो ये पीछे जो है अमान, मानू इसका नाम है घर का, तो ये मुझसे छोटा है। अब बड़ा भाई छोटे भाई पर अत्याचार करता है, तो करता पहले वो तुझ पर अत्याचार करूंगा, फिर तेरे साथ टीम है। बनाऊंगा। अच्छा तो ये तो तो मेरे पे उल्टा पड़ गया पासा है। बिल्कुल सबसे पहले जा मेरे लिए ग्लास पानी लेके आ, और ठंडा लेके आइए, वरना बहुत मारूंगा। और ना लेके आऊं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या वही बताऊंगा मुझे, रुक होंगे? जाता जरा। कैसे होगा यार, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे क्या हो रहा है नवाब साहब? ये शीट बनाई थी ना हेल्पर के लिए, अब इसमें जो हेल्पर और वेल्डर वाला कॉलम है उसमें ईमेल आईडी आ रही है। करा होगा तूने ऐसा? मैंने क्या कर दिया, मैं तो खुद पहली बार बना रहा हूँ। काम कैसे कर रहे हो आज तो मूवी कंपनी का? फिर अब करना ही पड़ेगा, व्लॉगिंग तो चल नहीं रही, तो कंपनी से सैलरी चाहिए। कहीं से तो पैसा कमाना ही पड़ेगा, क्या अच्छा, करें। तो दोस्तों इसका मतलब आइडिया ये है कि यहाँ से ब्लॉगिंग नहीं चल रही, तो पापा का थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो पापा से सैलरी ले लूंगा, है ना? और क्या, और थोड़े से पैसे में अपना जीवन गुजारा थोड़े हो मतलब जाएगा यार, कितने? जितने भी। 2,000? क्या करना है, 3 टाइम का खाना चाहिए वो तो घर बस, पर बनता ही है। एक टाइम की शराब चाहिए, एक टाइम सिगरेट चाहिए, बहुत ही बेहुदा इंसान है ये। यही चाहिए जीवन में, और भाई क्या तेरे चाहिए। कल EMI कटनी है गाड़ी की, पेमेंट तो दे दे उसकी। अभी कर दूंगा। गरीबी में आटा गीला हो रखा है, आपको पेमेंट की बड़ी। वैसे लोग कहते हैं कि भाभी हमेशा पैसों का वो करती रहती हैं, मैं तो तुझे याद दिलाने आई हूँ, तेरी EMI बाउंस हो जाएगी तुझे अच्छा लगेगा। और जो आपके पति पे मेरा कर्जा है वो वापस करवाओ पहले, वो है तो गलत बात है, साजिद को लौटाना चाहिए तुम्हारा कर्जा, ना? सूद समेत लौटाना चाहिए। वही सूद भी तो। चाहिए साथ में, नहीं सूत तो नहीं सुताई चाहिए, चाहिए? नहीं नहीं सूत नहीं चाहिए, पर उससे मिलता जुलता कुछ चाहिए। हाटो में मेरे को बना दो, मेरे को कंसंट्रेट ये करने देख दो इस कैसा पे। बैग लाई हूँ मैं अपनी होने वाली देवरानी के लिए। कैसा बैग है वो लग वो तो रहा वो देख भी रही होगी ना व्लॉग, है ना? सी बैग फॉर यू, है। इतना बढ़िया हैंडमेड बैग है, बोल मत देना। तो ऐसा तो मेरी नानी बना देती है, बाहर से खरीदने की जरूरत क्या है, कहिए तेरी नानी आई हुई है ना? बना देती है नानी, बना देती हैं और ऐसा उनमें है टैलेंट इतना। और कहिए सिलना ही तो है, और ये निटिंग तो मुझे भी आती है, कुछ बना के दिखा दो ना, इतना ही सब आता है तुम्हें तो। वो बेवकूफ बना के दिखा सकता हूँ तो बस। तुम बना सकते हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिना मतलब के क्रेडिट लेने आ जाएगी। किसी ने इतने प्यार से बना के भेजा है और ऐसे कर रहा है। क्या है ये, दिखाओ जरा, क्रोशिया का बैग है, क्या क्रोशिया, क्रोशिया क्रोशिया ही होती है ना, ऊन वो कहते हैं इसको। क्रोशिया कहते हैं। ये क्या, ये पैसे हैं, 2 गड्डियां हैं इसमें। अगर मैं ले लूँ ये बैग तो बढ़िया लग रहा है। तेरे लक्षण सही ना लगते मुझे। ओह माय गॉड, ऑटो में काम करने दो, मैं कौन सा तेरा लैपटॉप छीन रही हूँ? कर आज से मैं काम करूंगा, बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा दोस्तों। सचिन टिशकुले बनेगा। ये जो तुम मेरे को ताने मारते रहते हो ना कमेंट बॉक्स में, सुअरो। कर दी
एक तो ये सर्दी जुबान खापा का इतने दिनों के लिए नहीं नहीं ये तो मेरे प्यारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल दिल का रिश्ता है इनसे, तो मैं इनको गाली भी दे सकता हूँ, बुरा नहीं मानते हैं लोग। देखे दिखाऊं? दो। नहीं आपके सामने नहीं दूंगा, नहीं बुरा नहीं मानते हैं ना दोस्तों, आप बुरा नहीं मानोगे ना मेरी बात का अगर मैं कुछ भी करूंगा तो? अनड्यू एडवांटेज उठाना तो कोई शायद आप टीवी से सीखे। मैं रोज वादा करके फिर व्लॉग मिस कर देता हूँ तब भी कुछ नहीं कहते, इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यार से फिर भी मुझे देखते हैं। कहेंगे ना जब बिल्कुल ही मिस कर दें एक दो महीने के लिए तो सब गायब मिलेंगे यहाँ से, इनके बेचारे उम्मीद में बैठे हुए हैं। इनके घर जाके ना इनका फोन छीन के जबरदस्ती सब्सक्राइब कर दूंगा। और दोस्तों हम बहुत क्लोज है 50,000 के, मेरा बर्थडे भी आने वाला है तो 50,000 पे हम लोग भंडारा करेंगे। बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट चाहिए भैया से, भाभी से, अम्मी पापा सबसे गिफ्ट। उससे पहले तीन बर्थडे और हैं, चार। सारे बर्थडे हमारे घर में मई जून में ही होते हैं। भैया का 9th जून, मेरा 10th जून, बिल्कुल एक ही दिन का फर्क है, फिर भी कहते हैं मैं 6 साल बड़ा हूँ तुझसे। बहुत बहुत ही घटिया जोक है सदा, वेरी बैड, ही इज गेटिंग वर्स्ट एट इट डे बाय डे। वो तो ट्रू है, मेरा ह्यूमर तो कम हो रहा है दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। अच्छे लोगों के साथ नहीं रहता ना, तू मेरे साथ रहता नहीं है बाहर, तभी तो खराब हो रहा है। आप लोगों के साथ रहते हो तभी मेरा ह्यूमर खराब हो रहा है। हमारे साथ रहते हो तुम, शट अप, झूठ तो मत बोलो गाइस। या तो ये अपने रूम में रहता है अकेले, मुझे तो ये ऑन एन एवरेज पूरे दिन में 1 घंटे मिलता है, वो भी लंच डिनर टेबल पे साथ खाने का मन हुआ तो। नहीं तो या तो ये भाई साहब रहते हैं रूम में या फिर बाहर रहते हैं फ्लैट पे हार्दिक के साथ, देवांशु के साथ। अगर वो लोग देख रहे हैं तो ये तो यही कहता है कि तुमसे मिलने जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाता है वो। अब अकेला आदमी अपने कमरे में अकेला नहीं रहेगा मानू, तू बता। अकेला ही रहेगा ना, अगर उसके साथ कोई फीमेल होती तो। लोग हैं तो बाहर नहीं आके बैठा जा सकता, लेकिन फीमेल होती तो, कोई फीमेल होती तो हाँ, वो उनकी बात सही थी कि हाँ अंदर रहते हुए फीमेल आ जाए तो एक महीना कमरे से ना निकलूं। अभी क्यों नहीं निकलता? अभी उसी की तैयारी कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा। क्योंकि बहुत जल्दी मेरे जीवन में फीमेल आने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, मेरा सिक्स्थ सेंस कहता है ऐसे। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब चला लो, नहीं बनेगा ऐसे तुमसे। क्या यूट्यूब चला लो? मतलब यूट्यूब से देख लो वो। अच्छा, वही करना पड़ेगा कि कैसे बनाते हैं गूगल फॉर्म। हाउ टू मेक गूगल फॉर्म, गूगल पे सर्च कर रहा हूँ। चलो भाई हम तो चले, हमको बहुत काम जिंदगी में, तुम्हारी तरह नहीं है। अरे वो मिष्टी दो ही मंगाई थी मैंने, वो दे दो जरा। कहाँ है? कहाँ है मतलब क्या? फ्रिज में है, जाओ ले लो। शादाब टीवी, ये जो दरवाजा दिख रहा है इसके उस तरफ मत आना। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो बनाने, मुझे अगर खटर पटर सुनाई दी तो मैं क्या आपका फोन छीन के भाग जाऊंगा क्या? बहुत साउंड होता है यार तुम्हारे आने से, मेरा वो कहाँ ट्राइपॉड वही है ना, इसके उधर मत आना उस पर। आगे समझ? हां नहीं आऊंगा, जाओ। मैं लॉक ही लगा लेती हूं ना ताकि तू आ ही ना पाए। अम्मी क्या कह रही है? जी अम्मी लाओ ऑर्डर कहाँ है? चल क्यों नहीं रही? जब इतना बड़ा बूढ़ा आदमी बैठेगा इस पे तो खराब हो जाएगी। बैक ऑफ। चलो जोर लगा के हईशा। तो दोस्तों आज खेला जाएगा क्रिकेट, अभी बैट दे, अभी नया नया बैट मंगाया है 500 रुपये। अबे इतना भारी क्यों है? हाँ बॉल है, बॉल कहाँ है? बॉल भी आ गई, दिखाना जरा। दोस्तों छक्का मार के दिखाऊं आपको? मारो मारो। मार दिया छक्का। ज्यादा ही डार्क हो गया ये। ज्यादा नहीं हो गया, चलना बॉल। मैं क्या माता दी, ये थोड़ा प्लेयर गर्म हो चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। चला जा परवेश, देख परवेश, देखो भाई साहब देखो, ऐसे कौन सुनता है यार। ये देखो ये व्यू बढ़िया है। रेडी दोस्तों? दोस्तों आपने मूवी देखी तिरंगा, तो उसमें जो ब्रिगेडियर होता है ऐसा ऐसे ही था, ऐसे ही था वो भी। और ये बॉलर बॉल कराते हुए बस बस पहली बॉल पे आउट। मैं वाइड है भाई, मैं भारी बहुत है यार, ये क्या ले आया तू? दो दो करा रहा, दो दो। एक तो इसका ये होटर बच जाता है एकदम। अच्छे लग रहे हो आज तो, चमक रहे, चमक रहे हो। सही बता? हाँ। क्या बात? ईमान से, ईमान से। नहीं अगर नहीं सच में झूठ बोल? नहीं नहीं झूठ नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे आज।
जी अच्छा, चढ़ा दो उसे पेड़ पे। दोस्तों ये जलते हैं शताब भाई से। दोस्तों आप बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? नहीं मुझे तो देखो बढ़िया लग रहे हो। सही अब ओफ ओ माय गॉड ये देखो ये चप्पल में कौन खेलता है? मेरे चप्पल पता नहीं कहाँ है। चल आजा बॉलिंग करा दो। एक सेकंड, बॉल है कहाँ? ये रही। हाँ अब मुझे थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। देखो दोस्तों पकड़े गए, पकड़े गए। क्या कर रहे हो ये? क्या पकड़ा गया? बात कर रहा हूँ। तो किससे बात कर रहे हो? ये इतने पैर जो चल रहे हैं ये किस वजह से चल रहे हैं? ये मर्द अपनी पसंदीदा औरत से बात कर रहा है, तुझे कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है लेकिन ये पैर क्यों चल रहे हैं, मुझे ये दिक्कत है। अब तो पैर चलने के लिए बने हैं, पैर इसीलिए चल रहे हैं। और क्यों चल रहे पैर? हमारे से बात करते हो तब तो नहीं चलते तुम्हारे पैर? तब तो ऐसे रहता हूँ या फिर जब हम कोई बोलते हैं कुछ काम के लिए, जब भैया बोलते हैं जब काम के लिए, जब तो नहीं चलते तुम्हारे पैर? तब तो लगवा पड़ जाता है पैरों में। देखो दोस्तों ये गद्दारी हो रही है, मतलब ये भैया का चमचा मत बन, समझ गया? चमचा क्यों नहीं बनूं मैं तो सच बात कह रहा हूँ, जो मतलब कायदे की बात है। कायदा प्लस कानून एक साथ निकालूंगा तेरे बात कर लेना। दोस्तों मैं किससे बात कर रहा हूँ तुम्हें जल्दी बताऊंगा अभी मुझे। अच्छा चलो एक बात बताओ, दिखा तो दो थोड़ा सा, मतलब हिंट कुछ पता चल जाए लोगों को। लड़की है? लड़की? अरे तो ये ओफो कुछ ज्यादा ही बड़ा हिंट दे दिया। और क्या चाहिए तुझे? मतलब कुछ 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 तो ऐसा हो कि समझ आ जाए। जवानी बाहर आ रही है तेरी है? तो क्या चाहते हो मैं छोटा रहूं जिंदगी भर? अरे बता तो दो। अरे भाई बता तो दिया, लड़की से बात कर रहा हूँ। लड़की से कर रहे हो तो मतलब कौन है, कहाँ की है, क्या है, कुछ कुछ तो पता चले कि हाँ भारत में रहने वाली है। अच्छा हाँ। हमें लगा था कहीं बाहर की होगी। रशियन लगा था क्या तुझे? हाँ क्योंकि आपकी दूर दूर तक वो है ना थोड़ी पहुँच। और वैसे भी वीज़ा लग चुका है अब तुम्हारा, तो हो सकता है कि मामला वहाँ का हो कुछ है। क्यों दोस्तों फोन आ रहा है, बंद कर दे दो मिनट, मेरी पसंदीदा औरत का फोन है। अच्छा हेलो। अच्छा ठीक है, पर मांग रहा पैसे।